करियर मित्र के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वैभव और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेली टारगेट किस तरीके से आपका होना चाहिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, क्या कुछ आपको पढ़ना है और कैसे उन टॉपिक्स पर आप MCQ को प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, पूरे सिलेबस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उतना जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उस पर टारगेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिए, कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, ज़रूर बताइएगा। साथ ही 24 घंटे बाद जब अगला वीडियो रात को 8 बजे आपको कल मिलेगा तो उस टाइम पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपने ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिए गए थे उनको कवर किया है या फिर नहीं किया है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, हिस्ट्री की। अब इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या कुछ पढ़ना है अगले 24 घंटे में उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रहेगा, जिसमें आप पढ़िएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन को कंप्लीट करिएगा। कंप्लीट करने का मतलब यह है कि जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसके साथ में और जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उन सबको कवर अप करना है। अभी कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, अगर हम मेडिवल इंडिया में बात करें तो बलवन, ये आपके करंट अफेयर में रहे थे, बलवन के बारे में पढ़िएगा। अब बलवन करंट अफेयर्स में कैसे रहे थे, कई आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो करंट में भी रहते हैं, तो जब करंट और स्टैटिक मिलकर आता है सब एग्जामिनेशन बहुत आपका ईजी भी हो जाता है और टिपिकल भी हो जाता है। रीज़न भी कि अगर आपको पता है कि करंट में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ रही हैं, कौन कौन से इवेंट ऐसे हिस्ट्री में हुए थे पास्ट में जो आज की डेट में करंट अफेयर्स में है, अगर आपने उसको प्रिपेयर करा तो आधी जंग आप तुरंत जीत गए, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ एक पर्सनालिटी को आपको पढ़ना है, वो है आपका जेबी कृपलानी, ठीक है। सो ये अब जेबी कृपलानी भी आपके किस में रहे हैं, करंट अफेयर्स में रहे। इन तीनों टॉपिक्स को आप कवर अप करिएगा अगले 24 घंटे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी में आपको क्या कुछ पढ़ना है, अब यहाँ पर जो इंडिया की फिजियोग्राफी है यानी कि इंडियन स्टेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मतलब ऐसे हमारे विदेशी देश हैं जिनसे हम अपनी सीमाएं साझा करते हैं, ठीक है, वो सारे पढ़ने हैं। जो स्टेट्स हैं इंडिया के, अगर उनको क्रोनोलॉजिकली हम अरेंज करें, क्रोनोलॉजिकली मतलब हम यहाँ पर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, या फिर उसमें कितने लोकसभा सीट्स हैं, कितनी राज्यसभा सीट्स हैं, इस पैटर्न पर ये सब कुछ कवर अप करिएगा अगले 24 घंटे में। सिर्फ इंडिया के बारे में आप पढ़ना है आपको सारी चीज़ें, ठीक है, जो बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है नवंबर मंथ का। अब ये नवंबर मंथ का आप चाहें तो क्रॉनिकल मैगजीन आती है वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कहीं से भी यूट्यूब के किसी भी चैनल के माध्यम से कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटी की, सो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में आपको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट पढ़ना है, सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है। सो ये आपका टारगेट है अगले 24 घंटे का। आई नो कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिया है पढ़ने के लिए, बट यकीन मानिए अगर अब मेहनत नहीं करी तो वक्त निकल जाएगा। अब ये तो बात हो गई टारगेट की, अब आपको करना कैसे है। अगर आप चाहें तो जो 300 रुपीज़ का हमारा कोर्स है उसमें आप एनरोल करवा सकते हो। जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पर अभी मेंशन किए हैं उस पर बेस्ड MCQ कल आपको रात में देखने को मिलेगा 10 बजे, और इस MCQ के साथ में आपको एक PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। उस PDF में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ भी अननेसेसरी नहीं होगा, एक वर्ड भी अननेसेसरी नहीं होगा, ठीक है। मैं पूरी कहानी आपको यहाँ पर उन नोट्स के माध्यम से नहीं प्रोवाइड करूँगा, मैं सिर्फ उतना दूंगा जो आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर में आएगा और उत्तर प्रदेश PCS 2024 के पेपर में आएगा। सो अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं इस कोर्स में तो उसके लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा 6395649901 ये दो नंबर हैं जिन पे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इस कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। ये 300 रुपये का जो फीस रहेगा ये वन टाइम पेमेंट रहेगा अभी से लेकर समीक्षा अधिकारी के पेपर तक का। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश PCS के लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तब उसके लिए सेपरेट फीस प्रोवाइड करना होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये हमारा 300 रुपये का कोर्स सिर्फ समीक्षा अधिकारी के लिए है, ठीक है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इन नंबर्स पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। कल रात 8 बजे फिर से नया वीडियो आएगा जिसमें अगले 24 घंटे की पूरी रणनीति आपको बताई जाएगी। बाय बाय।